ओम शांति। आज सुबह से हम सब एक दूसरे को आज के शुभ दिन की बहुत मुबारक दे रहे हैं। सुबह से क्या मैसेज दिया एक दूसरे को, क्या मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे हम एक दूसरे को आज? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे किया दूसरों को, किया। अब आज हम खुद को करेंगे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे हमने अभी गीत में भी देखा, कई बहुत बहुत विशेष आत्माओं ने, शक्तिशाली आत्माओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या किया, त्याग किया, तप किया, बलिदान किया, उनके माता पिता ने बलिदान किया। ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया? ताकि हमें क्या मिले? स्वतंत्रता मिले। और क्योंकि उन्होंने त्याग किया, तप किया, बलिदान किया, हमें स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन हमें स्वतंत्रता किससे मिली? हमें स्वतंत्रता मिली उनसे जो हम पर राज्य कर रहे थे। तो वो गुलामी तो हमारी खत्म हो गई, और उसको खत्म हुए भी अब कितने साल हो गए। कोई और हम पर राज्य कर रहा था तो हम गुलाम थे, और किसी के बलिदान की वजह से हमारी वो गुलामी खत्म हुई और हम आजाद हो गए। उसका हम आज दिन तक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। लेकिन आज ये समय है कि 77 इयर्स में क्या हुआ वो हमें पता है। इम्पोर्टेंट है आज ये डिसाइड करना कि आज से अब आगे क्या होना है। कौन कौन अपने आप को स्वतंत्र मानता है कि कोई गुलामी नहीं है मेरे जीवन में? चेक करो। गुलामी मतलब जिस क्षण मेरा कंट्रोल नहीं है, कुछ और अपने आप चल रहा है। हम करना चाहते हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, स्वतंत्र नहीं है। सोचना चाहते हैं कुछ और, चल रहा है कुछ और। बोलना चाहते हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। और फिर क्या कहते हैं? सॉरी, मेरे मुंह से, आई डिडंट मीन टू से इट, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग, मेरे मुंह से वो बात निकल गई। जिस क्षण हम ये कह रहे हैं कि मेरे मुंह से वो बात निकल गई, उस क्षण हम क्या कह रहे हैं? मेरा मेरे मुख पर कंट्रोल नहीं है। अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं। मुझे जो चीज देखनी नहीं चाहिए मैं वो देख रही हूं, मुझे जो चीज बोलनी नहीं चाहिए मैं बोल रही हूं, मुझे जो चीज सुननी नहीं चाहिए मैं सुन रही हूं, मुझे जो चीज खानी नहीं चाहिए मैं खा रही हूं। खाते खाते बोलते हैं मुझे खाना नहीं चाहिए, मतलब रियलाइजेशन भी है और फिर भी कर्म कर रहे हैं। और जितना ऐसे करते जाते हैं तो वो गुलामी क्या होती जाती है? और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो मन की डिपेंडेंसी, फिर मुख पर कंट्रोल नहीं, और फिर कभी कभी तो हाथ भी आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। होते हैं ना कुछ ऐसे कर्म जहां हाथ से ऐसा कोई कर्म हो जाता है, बाद में कहते मेरे से ऐसा कैसे हो गया, मेरा हाथ कैसे उठ गया, या मैंने कोई चीज जो मेरे हाथ में थी वो कैसे, कभी फेंकी है चीज ऐसे जोर से गुस्से में, किसने किसने किया ऐसे ऐसा कुछ गुस्से में? हाँ तो उठा लो आज अपने, चेकिंग करे तभी तो आजादी पाएंगे, नहीं तो थोड़ी पाएंगे, पता ही नहीं है कौन सी गुलामी। सो जितना जितना पावर घटता जाता है, तो फर्स्ट वो माइंड के लेवल पर है, फिर बोल के लेवल पर आता है, और फिर एक्शन के लेवल पर आ जाता है। और इतना होते हुए भी हमने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि मुझे इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। हमने इस गुलामी को ही क्या बोल दिया? नॉर्मल। तो हैव वी बीन फेयर? जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग किया, तपस्या की, उन्होंने तो हमें किसी और से आजादी दिलाई, हम तो खुद
खुद के लिए। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस यही चाहिए। आज हमारे पास फिजिकल इंडिपेंडेंस है, हम कहते हैं मैं जहां जाना चाहूं, जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं, आई एम इंडिपेंडेंट। फिर हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है कि मैं जो खर्चा करना चाहूं मैं कर सकता हूं, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमने अपने आप को सोशल इंडिपेंडेंस दिला दी, हमने कहा कौन है रोकने टोकने वाला मुझे, मेरी लाइफ है, मुझे जो करना, समाज को जो बोलना बोले, इट इज माय लाइफ, आई विल लीड माय लाइफ माय वे। हमने अपने आप को सोशल नियमों से भी तोड़ दिया। तो हमारे पास फिजिकल इंडिपेंडेंस है, सोशल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, लेकिन जब इस मन की बात आती है तो हम अपनी इंडिपेंडेंस को क्या कर देते हैं, हम अपने इमोशंस के लिए किसको ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से बुरा लगा, उसकी वजह से हर्ट हुआ, उसकी वजह से गुस्सा आया, उसकी वजह से चिंता हुई, उसकी वजह से खुशी हुई, वहां गए तो बड़ी शांति थी, यहां आए तो बहुत अशांत है। सब कुछ जो यहां क्रिएट हो रहा है, हमने कहा वो किसकी वजह से, तो मेरे इमोशंस इंडिपेंडेंट ना होकर कंप्लीटली क्या हो गए, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए। एंड हमें लगा वो नॉर्मल है, सो वी कंटिन्यूड लिविंग दैट वे कि ये तो नॉर्मल है ना। आज हम खुशी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, खुशी के लिए काम करते हैं, खुशी के लिए अचीव करते हैं, खुशी के लिए खरीदते हैं, कितने कपड़े जरूरत के लिए और कितने कपड़े खुशी के लिए है, कितने कपड़े दूसरों को प्रभावित करके उनकी अप्रिसिएशन लेकर खुश होने के लिए है। क्योंकि जिस चीज को हम खुशी के लिए खरीदते हैं थोड़े दिन के बाद वो चीज खुशी नहीं दे रही होती, फिर हमें और खरीदना पड़ता है। कमाते जाते हैं खरीदते जाते हैं, कमाते जाते हैं खरीदते जाते हैं और कमाते जाते हैं, क्योंकि चीजें जितनी आई अभी तक खुशी नहीं आई तो अभी और कमाना पड़ेगा तो खुशी आएगी। अगर हैप्पीनेस मेरी क्रिएशन होती तो कितने पैसे लगते खुश रहने के लिए, और हमने अपनी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एंड उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करो, अचीव करो, खरीदो, इतना तो खरीद ही रहे पिछले 25-30 साल से। लेकिन फिर इस 25-30 साल के अंदर हैप्पीनेस थोड़ी तो बढ़नी चाहिए थी ना, बढ़ी बढ़ी ये सर नो नो, जहां थी वहां है। तो बैठकर अपने आप से पूछना तो पड़ेगा एक बार कि जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, अगर वो बढ़े नहीं तो कम से कम घटे तो नहीं, घटी कैसे। और फिर हमने इतने सारे अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोल दिया, हमने कहा स्ट्रेस नॉर्मल, एंगर नॉर्मल, बड़ी नॉर्मल, चिंता नॉर्मल, सब नॉर्मल। आजकल लोग बोलते हैं डिप्रेस्ड, अगर हम आज भी नहीं रुकेंगे और आज भी अपने आप को इस गुलामी से आजादी नहीं लाएंगे तो आपको पता है आपके बच्चे कितने बड़े गुलाम बन जाएंगे। उनको तो आज बोलो हम फोन के बिना रहते थे तो आपको ऐसे देखेंगे, ऐसे कौन जी सकता है, उन्होंने देखा नहीं है। सो उनकी जो डिपेंडेंसी है ना वो हमारे से भी कई गुना ज्यादा है, इसीलिए उनके रिएक्शंस ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो डिस्टर्ब जल्दी होते हैं, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी हमारे से ज्यादा है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि कौन क्रिएट करता है हमारी इमोशंस, एंड वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लेते हैं। 10 सेकेंड के लिए आंख बंद करो और चेक करो लास्ट कब गुस्सा आया था, सीन लेकर आओ सामने, कुछ हुआ, किसी ने कोई गलती की, किसी ने मेरा कहना नहीं माना, किसी ने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी, किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, किसी ने मुझे धोखा दिया। लोगों के पास बहुत पावर है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस क्षण मैंने कैसे रिएक्ट किया वो अपने आप को देखिए रिएक्ट करते हुए, और फिर उसी सीन को देखिए कि सिचुएशन वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। लेकिन अगर सेम सिचुएशन आज शाम को आ जाए, क्या मेरे पास चॉइस है
एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। सेम सिचुएशन आएगी, कुछ चेंज नहीं होगा, वही गलती, उतनी ही बड़ी गलती। और उस सीन को देखो और फिर अपने आप को उस सीन में देखो और फिर चूज करो, कैन आई रिस्पॉन्ड अनदर वे, पॉसिबल है क्या? और अगर है तो अपने आप को करते हुए देखो, किस किस को लगता है ऑप्शन है एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने का, है एवरीबडी? है क्या ऑप्शन दिखाई दिया, क्या अलग रिस्पॉन्ड कर सकते थे, क्या दिखाई दिया? What could have been another response? क्या दिखाई दिया? Check. Situation थी जो हमारे control में नहीं थी, लेकिन मेरा reaction किसकी choice था? किसकी choice था? मेरी। लेकिन उस time मैंने नहीं बोला कि ये मेरी choice था, मैंने क्या कहा कि उन्होंने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आया। अब जब हमने साइलेंस में बैठकर साक्षी होकर देखा कि भले वो सिचुएशन तो उतनी ही गलत थी जितनी गलत थी, लेकिन मेरा रिस्पॉन्ड करने का तरीका एक दूसरा हो सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्यों अलग तरह से रिस्पॉन्ड करूं, मैं क्यों ना रिएक्ट करूं। इट हर्ट्स यू एज वेल। जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है या आपका हो रहा है? हम सबके पास ऑक्सीमीटर है ना आजकल घर पे, उसी टाइम किसी को बोलना जब मैं गुस्सा करूँ ना जरा फटाफट लगाना, मुझे देखना है किधर पहुंचता है। बीमारियां कुछ सालों के बाद दिखाई देती हैं, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। एवरी रिएक्शन चाहे बाहर रिएक्शन चाहे यहाँ रिएक्शन। कुछ लोग यहाँ से गुस्सा नहीं करते, कहते हम नहीं बोलते कुछ, हम चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा बोलते हैं, रिएक्शन है ना ये भी। लेकिन जो भी ऐसा रिएक्शन होगा उसका असर हमारे शरीर पर होगा। बीपी एक ही दिन में नहीं बढ़ता है, शुगर लेवल एक ही दिन में चेंज नहीं होता है, लेकिन रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हर वाइब्रेशन इस शरीर तक जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं आजकल सब लोगों के पास एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये बीमारियां इतनी बढ़ती क्यों जा रही हैं? आजकल छोटी छोटी एज में बीमारियां क्यों हो रही हैं? आजकल इतने यंग एज में कार्डियक इशू क्यों हो रहा है? सिंपल तो आंसर है, इसमें क्यों क्या पूछना है? व्हाट इज दैट आस्क, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, और जो यहाँ होगा वो यहाँ जाएगा, और जो यहाँ जाएगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट दिखाएगा। अब आप ये सोचो गलती किसी और ने की और मैं अपने शरीर का नुकसान करूं, इज दैट लॉजिकली राइट? क्या ये राइट है? नहीं। पर हम कहते हैं मुझे उसको सुधारना है, सुधारना ही चाहिए, लेकिन खुद को बिगाड़े बिना ये क्या फायदा हुआ कि दूसरों को सुधारने के प्रोसेस में खुद को बिगाड़ दिया? और वैसे भी हमारे गुस्सा करने से सुधरे कितने लोग? कुछ भी नहीं। इट इज सो फ्यूटाइल, लेकिन हमारा नुकसान होता जा रहा है। तो अगली बार कोई गलती करे हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है मुझे अपने को बचाते हुए उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। क्या आप रेडी हैं किसी और के लिए खुद का शरीर का नुकसान करने के लिए? नहीं ना। मन का नुकसान करने के लिए? नहीं ना। एंड ऐसा नहीं है कि बिना गुस्सा किए किसी को राय दी नहीं जा सकती है, लेकिन हमने वो तरीका नहीं यूज किया। इसी को कहा जाता है लाइफस्टाइल। डॉक्टर जब कहता है ना दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, आज कैंसर इतना बढ़ गया, डिप्रेशन इतना बढ़ गया, कार्डियक इश्यू, और सब चीज के लिए डॉक्टर बोलते लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफ। फिर हम उनको जाके बोलते हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं, हम तो ये, फिर भी लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफ यहाँ है और लाइफ का स्टाइल यहाँ है। मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका, मेरा जीवन जीने का तरीका। आप रेडी हैं चेंज करने के लिए? क्या मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में है? तो सबसे पहला होमवर्क ये याद रखना कि मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में है। तो आज से एक भाषा बंद होगी, आई फेल्ट लाइक दिस बिकॉज ऑफ, वो वोकैबुलरी चेंज। कोई आके बोले आप परेशान हो, हाँ क्योंकि, क्योंकि
आपको चिंता किस बात की हो रही है? क्योंकि बच्चे एवरी टाइम द फिंगर इज आउटसाइड, एंड अगर फिंगर इज आउटसाइड तो हम भूल गए हैं कि थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। बच्चों की चिंता करनी चाहिए? नहीं, करते थोड़ी है, अपने आप हो जाती है। होनी चाहिए चिंता, और उसको इतना नॉर्मल मान लिया है कि फैमिली का अगर दूसरा सदस्य चिंता नहीं कर रहा हो तो उस बात पे झगड़ा होता है, तो कोई चिंता ही नहीं है, मतलब तुम प्यार ही नहीं करते हमारे से, तुम आराम से बैठे हुए हो, तुम्हें चिंता क्यों नहीं हो रही है? That is the extent to which हमने negative emotions को normal बोल दिया। Careless नहीं, careless नहीं, indifferent नहीं, लेकिन worry भी नहीं। ऐसे नहीं कहा गया, चिंता चिता समान है। चिंता चिता समान है मतलब चिता कैसे चलती रहती है, से चिंता भी यहां चलती जा रही है। तो पहला होमवर्क, मेरे थॉट्स कौन क्रिएट करता है? अभी मैं बोलते जाना, आज ओपनली मैं बोलना, वैसे मैं नहीं बोलना चाहिए ज्यादा ना, लेकिन आज हम मैं बोलेंगे। मेरी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? मेरा गुस्सा कौन क्रिएट करता है? मेरी चिंता कौन क्रिएट करता है? मेरा हर्ट कौन क्रिएट करता है? मेरा हैप्पीनेस कौन क्रिएट करता है? सिंपल, आप रोज बोल सकेंगे ये बात? बात आने के टाइम बोल सकेंगे आप ये बात? सिचुएशन महीने से तैयारी कर लो, दिस इज लाइफ। आप कितनी भी तैयारी कर लो लाइफ के लिए, कितनी तैयारी कर लो, कितना प्लान कर लो, कितना सिस्टमैटिकली सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लो अपने जीवन में या अपने बच्चों के जीवन में, एक सीन आता है और सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो सीन आता है और जब कुछ चेंज होता है, वो सीन को फेस करने की ताकत चाहिए होती है। लेकिन वो ताकत हमारे पास तब आएगी अगर हमने छोटे छोटे सीन्स में उस ताकत को क्या करके रखा होगा, बचा के रखा होगा। आप में से किस किस के पास आदत है पैसे सेव करके रखने की? सेव करते हैं ना हम, और हमें बचपन से सीखा था सेव मनी। क्यों, क्या सिखाया गया? अचानक कोई बात आएगी तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए। अचानक जब बात आएगी तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, लेकिन अचानक जब हमारे पास बात आएगी तो हमारे पास शक्ति भी होनी चाहिए। क्या पैसों से बात से फेस हो जाती है या पावर भी चाहिए होती है? पावर चाहिए होती है ना। पैसे टिप 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 करके हम सेव करते हैं, इसी तरह पावर भी हमें थोड़ा 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 करके सेव करनी पड़ेगी। तो किसी ने सामने से कुछ किया और मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैंने पावर सेव की। ये बात आई, मैंने 20 थॉट्स की जगह 2 थॉट्स क्रिएट की, मैंने पावर सेव की। किसी ने कुछ बहुत गलत बोला, किसी ने कुछ बहुत बड़ा धोखा दिया, मैं 1 घंटा रोने की बजाय सिर्फ 2 मिनट रोई, मैंने पावर सेव की। किसी ने मेरी निंदा की, मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ फैलाया, मैंने उनके बारे में अच्छी बातें की, मैंने बहुत सारे पावर सेव किए। मेहनत मैंने की, सफलता किसी और को मिले, मैंने ईर्ष्या की बजाय दुआएं दे दी, मैंने बहुत सारी पावर सेव की। और वो सारी पावर सिर्फ उस दिन नहीं काम आती जिस दिन कोई क्राइसिस आता है, वो पावर हर क्षण मुझे हैप्पी फील करने देती है। इतनी मेहनत करके इतना खर्चा कर रहे हैं खुश रहने के लिए, देश का हर शहर देख लिया, दूसरे देश घूम आए, सब तरह के कपड़े पहन के देख लिए, सब तरह की गाड़ियां खरीद ली, फिर भी कहते हैं हैप्पीनेस का हैप्पीनेस का हैप्पीनेस का। वो चीजों में थोड़ी होनी थी, गाड़ी में गाड़ी की कंफर्ट है, फोन में फोन की कंफर्ट है, लेकिन उसमें हैप्पीनेस थोड़ी होनी थी। विच इज गोइंग ऑन माइंडलेसली बाइंग 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 के हैप्पीनेस कहाँ आएगी? उसमें कैसे आ सकती है खुशी? कैसे आ सकती है? चीजों से खुशी मिलती है थोड़ी देर के लिए। इक्वेशंस ऑफ लाइफ कभी जमाने के हिसाब से नहीं बदलेगी, वो लॉज है। लॉज कभी जमाने के हिसाब से नहीं बदलते हैं, लॉ लॉ होता है। कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, लॉ लॉ होता है। ये सोफा है, थोड़ा एक्सपेंसिव ही होगा, ये नीचे बैठे हुए हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। राइट नाउ वी आर 3 फाइनेंशियल डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है?
आपकी कुर्सी उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना ये सोफा कंफर्टेबल है, और ये तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है। हम तीन डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ फाइनेंशियल सेगमेंट इस टाइम यहाँ बैठे हुए हैं, तो डज दैट मीन कि क्योंकि आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर आई एम हैप्पियर, व्हाट्स द वर्ड, मोर कंफर्टेबल, ऑफ कोर्स आई एम मोर कंफर्टेबल, बट कौन कंफर्टेबल है? हमने छोटी सी गलती कहा कि हमने कहा जिस भी चीज में बॉडी कंफर्टेबल है मतलब आई एम हैप्पी है। अब मैं इसी महंगे सोफे पे बैठकर महंगा माइक पकड़ते हुए महंगे कपड़े पहनते हुए क्या मैं दुखी हो सकती हूँ? फिर वो सारी चीजें जो मैंने खरीदी हैप्पीनेस के लिए उनका क्या होगा? तो गलती चीज की है? नहीं, गलती किसकी है? गलती मेरी सोच की है। मैंने सोचा मैं इसको हैप्पीनेस के लिए खरीद रही हूँ, मैंने उसको किस चीज के लिए खरीदना था? कंफर्ट के लिए, और वो तो वो हमेशा हमें कंफर्ट देता है, लेकिन मैं खरीदती गई इससे खुशी मिलेगी इससे खुश, फिर बोलते अभी भी नहीं मिली, अभी और खरीदो, अभी और खरीदो, अभी और खरीदो, और इतना खरीदते 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 खुशी तो नहीं मिली लेकिन प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर दिया। फिर कहते हैं ये मौसम इस साल ऐसा क्यों हो गया, क्यों ये ऐसे बाढ़ आ रही है? हमारे उस खरीदने की वजह से कितने लोगों ने इस साल फ्लड में शरीर छोड़ा है? ये कर्म हमारा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? दिस इज अ कलेक्टिव कर्म दैट वी हैव क्रिएटेड, और अभी तो और आगे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट तो करते ही जा रहे हैं अपनी खुशी के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि खरीदने से मिलेगी। खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से सोच के खरीदना है कि कंफर्ट मिलेगा, जितना कंफर्ट चाहिए उतना खरीदना चाहिए। अगर आप इस कुर्सी को कंफर्ट के लिए खरीदेंगे ना, तो जब तक ये कंफर्ट दे रहा है आप इस पे बैठेंगे, लेकिन अगर आप इसको खुशी के लिए खरीदेंगे ना, तो दो साल में आप कहेंगे बोर हो गया वही सोफा देखकर, अभी नया लेने चलते हैं। बट सोफे को तो कुछ हुआ नहीं था, अभी क्यों हम नया लेने जा रहे हैं? बोर हो गए वही साड़ी पहनकर, चलो आज बोर हो रहे हैं कपड़े लेकर आते हैं। कपड़े बोर होने के लिए नहीं खरीदने होते, ये संस्कार, ये आदत, क्योंकि हमारे पास पैसा था हमने सोचा हम खरीदते जा सकते हैं, लेकिन उस एक्सेसिव खरीदने का इम्पैक्ट नेचर पर पड़ा है। हर एक कपड़ा खरीदने के लिए कितना पानी लगता है? हम थोड़े साल पहनते बोर हो गए नया लेकर आते हैं। जरूरतों के लिए अगर जिएंगे तो प्रकृति के पास बहुत है, डिजायर्स के लिए प्रकृति से लेंगे तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इक्वेशंस की क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। चीजें हमें क्या दे सकती हैं? कंफर्ट, सब कुछ खरीदो जो चाहिए कंफर्टेबल होने के लिए, लेकिन विद क्लैरिटी, ये मुझे कंफर्ट दे रहा है। डोंट गो टू बाय हैप्पीनेस, क्योंकि इसीलिए हम ज्यादा 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 कमाना चाहते हैं। हमें लग रहा है जितना कमा लेंगे उतनी खुशी ज्यादा आ जाएगी हमारे घर में। टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे खाते नहीं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते नहीं, कहते नो आफ्टर वर्क, भाई बहुत है और कितना चाहिए? नहीं, मुझे अपने घर को खुशी देनी है, विच इज ऑल्सो फाइन, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद एक मिनट रुक कर चेक तो करो कि घर में खुशी बढ़ी, बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ी। आज स्कूल के बच्चे बोलते हैं हम डिप्रेस्ड, आज स्कूल के बोलते बोलते हम एंशियस, ये हमारी मेहनत का रिजल्ट निकला। इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे इतने सालों से कि वो बच्चा मुड़ के कहेगा आई एम डिप्रेस्ड। वेयर डिड वी गो रॉन्ग? वी थॉट वी कैन बाय एवरीथिंग विद मनी, सो लेट्स अर्न एंड लेट्स गिव देम एवरीथिंग। आपको पता है इतने सारे पेरेंट्स मिलते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब वो अपने बच्चे का डिप्रेशन या बच्चे का हेल्पलेसनेस या बच्चे की एंग्जाइटी या बच्चे का फियर एग्जाम से पहले, वो इतना अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे को देख सकते हैं लेकिन उस टाइम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति है जो बाजार से खरीद के नहीं दी जा सकती है, वो पावर कैन नॉट बी बॉट विद मनी। आप सिर्फ अपने बच्चे के पास बैठ कर बोल सकते हो डरो मत, चिंता मत करो, इतना ही बोल सकते हो। थोड़ी देर के बाद वो आपको बोलना सुन के भी थक जाता है, प्लीज आप जाओ बाहर, मुझे अकेला छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। बोलते हैं नहीं बोलते हैं। So, सबसे बड़ी भ्रांति को आज खत्म करें कि मनी कैन बाय एवरीथिंग। शरीर का स्वास्थ्य भी मनी इलाज खरीद सकता है, लेकिन मन की शक्ति मनी खरीद नहीं सकता।
तो जब हम किसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, वी शुड पॉज एंड चेक, एम आई गेटिंग द राइट रिजल्ट। तो इतनी मेहनत करके उनको सामान खरीद के देख दिया, अब थोड़ी सी मेहनत करके उनको शक्ति भी तो दे दें। पैसा कमाने के लिए तो उनके पास भी पूरी जीवन है, लेकिन शक्ति कैसे कमाना है वो उनको कौन सिखाएगा, देंगे कैसे? क्योंकि हमने अपने लिए समय निकालना बंद किया। आज हम सबको बोलते हैं आधा घंटा सुबह अपने लिए रोज निकालो, आधा घंटा मेडिटेशन करो, घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड लाइन है हर एक के पास, एक दूसरी लाइन में नहीं है कोई, वन स्टैंडर्ड लाइन। क्या लाइन है वो? फिर पूछो भाई टाइम कहाँ जा रहा है? काम। काम इतना क्यों करना है? पैसे। पैसे इतने क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चों को खुशी दे रहे हैं। सर्कल कहाँ पे रुक रहा है? और फिर ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि अगर हम आधा घंटा अपने आप के लिए निकाल लेंगे तो क्या आपको लगता है आपका बिजनेस कम हो जाएगा, आपकी इनकम कम हो जाएगी, आपका धन कम हो जाएगा? अगर हम स्ट्रेस्ड माइंड के साथ इतना कमा लेते हैं तो हैप्पी माइंड के साथ कम कमाएंगे, कम कमाएंगे या ज्यादा कमाएंगे? तो फिर हम क्यों नहीं पॉज बटन प्रेस करते हैं? क्योंकि अगर आप करेंगे, घर में अगर एक जना भी करेगा ना, तो घर की वाइब्रेशन क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी। जब घर की हवा बदलने लगेगी, वो हवा उस बच्चों को मिलेगी। ये नहीं है कि हमने बच्चों को बोलना है बैठो बैठो मेडिटेशन करो, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता। लेकिन अगर फैमिली में एक मेंबर की भी स्थिति चेंज होती है, यहाँ की पावर बढ़ती है, तो वो पावर पूरे घर में फैल जाती है। आज अगर कोई भी किसी को पूछे भाई बच्चे इतने स्ट्रेस्ड क्यों है, कहते वो जी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, प्रेशर। कोई एजुकेशन सिस्टम की वजह से बच्चा स्ट्रेस्ड नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को तो हम और ही इजी 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 करते जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए। आप में से कोई जिम में जाता है? अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो वेट्स को घटाना होता है या वेट्स को बढ़ाना होता है? हम अपने बच्चों के वेट्स को घटाते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनको कहा कह रहे ये बड़े कमजोर है, इनका वेट घटाओ, मतलब इनके ऊपर जो प्रेशर रखा है वो घटाओ। प्रेशर घटाना चाहिए था या शक्ति बढ़ानी चाहिए थी? हम उनके प्रेशर ही घटाते जा रहे हैं। फिर हमने कहा ऐसे स्कूल में भेज दो जहाँ एग्जाम ही नहीं होते। जब वो 10-12 साल एग्जाम देंगे ही नहीं तो उनके ऊपर 10-12 साल कोई प्रेशर आएगा ही नहीं। जब प्रेशर आएगा ही नहीं तो प्रेशर फेस करने की शक्ति क्रिएट होगी ही नहीं। लेकिन फिर ये ध्यान रखना कि जीवन में भी उनके सामने कभी कोई एग्जाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करें कि 15-20 साल के बाद वो बच्चे के अंदर सडनली वो शक्ति आ जाए एक प्रेशर को फेस करने के लिए, कहां से आएगी? सो वी हैव टू पॉज। हम उनकी लाइफ को इजी करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ उससे डिफिकल्ट होती जा रही है। पहले उनकी लाइफ फिजिकली कंफर्टेबल ज्यादा हो गई, हमारे जैसे थोड़ी बस में जा रहे थे स्कूल, साइकिल में जा रहे थे स्कूल, एसी बस में जाते हैं, एसी गाड़ी में जाते हैं, एसी स्कूल में बैठते हैं, एवरीथिंग इज वेरी कंफर्टेबल। लेकिन जब एवरीथिंग ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है ना, तो पावर टू एडजस्ट पावर टू टॉलरेट कम हो जाती है। पावर टू लाइफ नॉट बीइंग योर वे, जीवन आपके अनुसार नहीं है, उसको फेस करने की ताकत कम हो जाती है। और सडनली उनकी लाइफ में एक सिचुएशन आती है जो उनके अनुसार नहीं है, तो उनके पास उसको फेस करने की ताकत? क्या हमारी मम्मी हमें पूछती थी सुबह आज आपको क्या खाना है? आप पूछते हो ना उनसे आपको क्या खाना है, क्यों पता? हम कहते बेचारी मैं, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या खाना है, जो दिया खाना पड़ा, मैं उनसे पूछूंगी कि आपको क्या खाना है। पता है हमारा कितना फायदा हुआ था? हमारा ये फायदा हुआ था कि जीवन हमें जो दे रहा है हमने उसको स्वीकार करना सीखा। मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी लेकिन मुझे खानी पड़ती थी, तो मैंने सीखा कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे उसके साथ भी एडजस्ट करना है। मुझे स्कूल में जो सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता था वो भी करना पड़ता था, क्योंकि मैंने सीखा कि हर चीज मेरे अनुसार नहीं होगी, सिर्फ जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे हमेशा नहीं मिलेगा। वो हमें पता भी नहीं था लेकिन वो संस्कार हमारे अंदर बन गया। अब हम उनको क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं जो सब्जेक्ट चाहिए वही पढ़ो, जो खाना खाना है वही खाओ, जो कपड़े पसंद है वही पहनो, जहां जाना है वही जाओ। और फिर सडनली 25 साल के बाद हम उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा देते हैं जिसकी भी पेरेंटिंग वैसे ही हुई है,
और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते दिस पर्सन इज नॉट द वे आई वॉन्ट इट, अब आप चेंज करो उनके लिए, उनके स्पाउस को। फिर आप उनको कह देते हो कोई बात नहीं हम बैठे हैं आ जाओ घर वापस, और ये सबको हम सफलता बोलते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पावर ऑफ मनी हमने शक्ति और संस्कारों और मर्यादाओं पर फोकस करना, इसका इफेक्ट हम पे तो आ ही रहा है लेकिन उन पे थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारा बचपन फिर भी एक डिफरेंट तरह से था, चीजें कम थी, घर छोटे थे, हम ना बहुत सुनते थे। आप में से ना सुना किसी ने बचपन में, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये दिवाली पे मिलेगा, ये अगले साल मिलेगा, ये अगर आप फर्स्ट आओगे तो मिलेगा। वेटिंग पीरियड, पेशेंस, धैर्यता, वो पता है कौन सी दुनिया में जीते हैं? अभी अगर डब्बा ऑर्डर करोगे 10 मिनट में नहीं पहुंचा, यू कैन कैंसिल योर ऑर्डर। इंपेशेंस, वो एक क्लिक करते हैं जीवन उनके अनुसार चलना शुरू हो जाता है। हमें कहा जाता था अगले साल मिलेगा, अगले साल वेट करो, तब हमें बहुत बुरा लगता था, क्या है हर चीज के लिए ना बोलते रहते हैं। आज पता चलता है कि उसमें हमारा कितना बेनिफिट था। छोटा सा चेंज लाओ, जैसे आपकी पेरेंटिंग हुई थी ना वैसे उनकी पेरेंटिंग करना शुरू करो। ना बोलना चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा उनको हाँ नहीं बोलेगा, और आपको लगता है कि 25 साल बाद वो सडनली एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, उनको एडजस्ट करना नहीं पड़ा ना इतना ज्यादा लाइफ के अंदर, उन्होंने बोला और बोलने से पहले उनको चीजें मिल गई। डोंट यू थिंक वी आर बीइंग अनफेयर, हमें लग रहा है हम उनका अच्छा कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया बहुत बड़ा। और सब कुछ देना है अगर तो भी फाइन है, लेकिन फिर साथ में घर में कुछ ऐसा कल्चर क्रिएट करो जिससे संस्कार और आत्मिक शक्ति भी दी जाए। अगर आप सबको सारी फैसिलिटीज दे दो लेकिन साथ में आत्मिक शक्ति बढ़ा दो तो जीवन में आने की समस्या को वो फेस कर लेगा, लेकिन शक्ति भी नहीं बढ़ाओ, एडजस्टमेंट पावर भी नहीं कराओ, तो फिर तो आप एक बहुत कमजोर व्यक्ति को बड़ा कर रहे हैं। फ्रजाइल, पहले लोग नौकरी करते थे रिटायर भी उसी कंपनी से होते थे, और ये कोई हिस्ट्री नहीं है, अपने जीवन काल की बात है। आज हर साल अभी नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू चेंज, खुद को चेंज नहीं करते, जॉब चेंज करते जाएंगे। ये सारी चीजें हमारी जीवन से स्थिरता को, शक्ति को, पावर टू एडजस्ट को, पावर टू अडेप्ट को, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस को, लोगों को उनका ऑफिस उनका अपना लगता था, लोगों को ऑफिस के लोग उनके अपने लगते थे। अब हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है ऑफिस के लोग अपने लगे या ना लगे, फर्क ये लगता है कि उस अपनेपन में खुशी थी, उस अपनेपन में प्यार और रिस्पेक्ट का अनुभव होता था। आज क्राइटेरिया चेंज्ड, सो वी आर द लास्ट जेनरेशन जिसने वो भी देखा है और ये भी देख रहे हैं। हमारे पास पावर है, इस समय की फैसिलिटीज को ले लो और उस समय के जीवन जीने के तरीके को ले लो, एंड टुगेदर क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ऐसा थोड़ी है कि इस जीवन की कंफर्ट्स को छोड़ना है, देखो भी नहीं, ये सारे कंफर्ट्स हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने आए हैं, पर हमारी लाइफ कंफर्टेबल बननी चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ डे बाय डे थोड़ी सी क्या हो रही है। इसलिए पहले हमारे घर में दिन की शुरुआत कैसे होती थी, क्योंकि फोन नहीं थे, पहले दुनिया में लोग एक दूसरे से पूछते थे भाई आज किसका चेहरा देखा था सुबह सुबह, आजकल कोई नहीं पूछता क्योंकि सबका एक ही चेहरा है जो उनके तकिए के पास होता है। नोबडी आस्क्स एनीबडी, तुमने आज किसका चेहरा देखा था, आज तुम्हारा दिन कैसा है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट, कि आपने किसका चेहरा देखा था जिस वजह से आपका दिन आज ऐसा बीत रहा है, मतलब सुबह के आपके संकल्प कैसे थे, आपने किस मनोस्थिति में अपने दिन की शुरुआत की थी। आज लोग अपने दिन की शुरुआत किसके साथ कर रहे हैं, पर ऐसे ऐसे करते करते सुबह सुबह हमने अपने शांत और स्थिर मन पर दुनिया की सारी चीजें भर दी है, सब कुछ भर के करके फिर अब भगवान को याद करने बैठते हैं। फिर कहते हैं बैठे तो थे लेकिन मन इधर उधर, तो मन इधर उधर तो जाएगा ही, क्योंकि मन पे ऑलरेडी इतना सब कुछ भर दिया, फिर बैठ गए। और जब परमात्मा को याद करने बैठे तो भी फोन साथ में रखा, बाई चांस किसी का फोन आ गया तो भाई उसको याद करने बैठे, अभी किसका फोन कितना मैटर करता है, कुछ नहीं। तो प्रायोरिटीज, एंड उसी वजह से हमारी विल पावर क्या होती जा रही है। हाँ, आज का पहला होमवर्क क्या है, हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट,
हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट, मैं. आज से ब्लेम गेम बंद. मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे आज. हमें गुस्सा आएगा, हमें चिंता भी होगी, हमें बुरा भी लगेगा, हमें दुख भी होगा, लेकिन जैसे ही होगा हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हु इज द क्रिएटर? आई. एंड बिकॉज आई एम द क्रिएटर, आई हैव अ चॉइस. क्या अगर कोई गलत कुछ कर रहा हो तो क्या हम अच्छा सोच सकते हैं? कोई सिचुएशन ठीक ना हो, क्या हम उसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं? तो इमीडिएट आंसर माइंड को देना है. क्यों अच्छा सोचे? अपनी हैप्पीनेस, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली के लिए. बात आएगी, बात चली जाएगी. हर बार चेक करना, आज के दिन में चेक करना. बात आएगी, बात चली जाएगी, बात आएगी, बात चली जाएगी. लेकिन उतनी देर में यहाँ क्या चलेगा? वो यहाँ भी इम्पैक्ट करेगा, यहाँ भी इम्पैक्ट करेगा, बात चली जाएगी. सो वाई शुड आई क्रिएट राइट थॉट्स फॉर माई हैप्पीनेस एंड माई हेल्थ? अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए मुझे उनके लिए भी अच्छा सोचना है जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे. मुझे उनको भी क्षमा करना है जो मेरे साथ गलत कर रहे थे. स्पिरिचुअलिटी इतना सेल्फिश बना देती है, इतना सेल्फिश बना देती है कि हमें अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं. लेकिन अमेजिंग पावर ये है कि आप जितना सेल्फिश बनते जाएंगे उतना ही सेल्फलेस बन जाएंगे, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपके पास सबको देने के लिए बहुत सारी पावर आ जाएगी. सेल्फिश मतलब क्या? सेल्फिश मतलब अपना ध्यान रखना. और जब अपना ध्यान रखते हैं तो अपनी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, फिर वो सारी शक्ति किसके पास जाती है? अब माफ नहीं किया जाता. अच्छा, क्या किया जाता है फिर? बात को पकड़ा जाता है ना. ठीक, ये माइक पकड़ना ज्यादा इजी है या नीचे रखना ज्यादा इजी है? काफी बार ये इसको पकड़ना ज्यादा इजी है या नीचे रखना ज्यादा इजी है? पकड़ा भी किसने है? मैंने. नीचे भी कौन रखेगा? मैं. पकड़ा कैसे? ऐसे. रखेंगे कैसे? ऐसे. यहाँ बात किसने पकड़ी, कैसे पकड़ी? एक थॉट क्रिएट किया. चेक करना, एक थॉट क्रिएट किया. क्या थॉट क्रिएट किया? मैं उनको क्षमा नहीं कर सकती हूँ. और आजकल तो फ्रेंड्स भी इतने अच्छे मिलते हैं, कहते हाउ कैन यू फॉरगिव, ऐसे बोलते हैं. अगर आप बाई चांस प्लान कर भी रहे होंगे ना थोड़ा सा, तो राय भी ऐसे बनती है. और फिर वो कहते हैं यू शुड नॉट फॉरगिव, क्योंकि अगर आप फॉरगिव करोगे तो वो फिर आपके साथ गलत करेंगे. कलयुग में रह रहे ना, राय भी कलयुग वाली लगती है. लेकिन हम सबको इनेटली पता है कि राइट क्या है. हमें किसी से राय लेने नहीं पड़ती एक्चुअली. हमें पता है कि राइट क्या है. अब सिर्फ एक विजुअलाइज करना, इसको एक सेकेंड विजुअलाइज करो, फिर देखते हैं कितना ईजी है. यहां मैंने एक थॉट पकड़ी है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया. वन, इन्होंने सबके सामने मेरे साथ गलत किया. टू, थ्री, ये बार बार मेरे साथ गलत करते हैं. थ्री, फोर, इनको मैं फॉरगिव नहीं कर सकती. इन्होंने जो किया वो मुझे कभी भूलेगा नहीं. पांच थॉट्स है, पकड़ लो. वैसे पांच कभी पांच रहती नहीं है, 500 हो जाती है उसकी नेगेटिव थिंकिंग की, फिर भी हम उसको पांच ही बोलते हैं. लेकिन ये पांचों थॉट्स की वाइब्रेशन कैसे है? ऐसी है या ऐसी है? हायर एनर्जी है या लोअर एनर्जी है? लोअर एनर्जी. तो मैंने 5 थॉट्स ऑफ लोअर एनर्जी यहाँ पकड़ ली. कब से पकड़ी हुई है? आज सुबह से, पिछले हफ्ते से, पिछले साल से, या शायद 10 साल से. Now just visualize 5 thoughts of a lower energy I've kept here. कुछ पहुंचेगा शरीर तक या नहीं पहुंचेगा? अब मैं चेंज करती हूँ इसको. जो उन्होंने किया, I'm changing all 5 thoughts now. First thought क्या था? First thought क्या था? उन्होंने जो किया बहुत गलत किया. Change. जो उन्होंने किया उनका संस्कार. दूसरा thought, उन्होंने सबके सामने ऐसा किया. सेकंड थॉट, सबने जो मेरे बारे में सोचना है वो उनका संस्कार है. तीसरा, मैं इनको कभी क्षमा नहीं कर सकती हूँ. तीसरा थॉट, मैं इनको इस क्षण क्षमा करती हूँ. इट्स जस्ट अ थॉट. होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, अभी तो हम सिर्फ थॉट चेक कर रहे हैं. चौथा थॉट, मैं ये बात कभी भूल नहीं सकती.
चेंज, मैं इस बात को इसी क्षण खत्म करती हूँ। ये भी थॉट है। थॉट है दोनों या कुछ डिफरेंट है? ये भी थॉट है, वो भी थॉट है। ये भी थॉट किसने क्रिएट की? मैंने की। वो भी किसने क्रिएट करनी है? मैंने क्रिएट करनी है। इस थॉट को भी मैंने बार बार रिपीट किया, इस थॉट को मेरे को थोड़ी बार ही रिपीट करना है। इस थॉट को मैंने सिर्फ रिपीट नहीं किया, मैंने औरों को भी सुनाया। और जितनी बार आप ये किसी को सुनाओगे ना, तो वो पूरी एनर्जी आपके सिस्टम से फिर गुजरेगी। तो ये भी थॉट है, वो भी थॉट है, क्रिएट करने वाला कौन है? मैं हूं। तो क्या मुश्किल है? मुश्किल क्या है? हाँ, नो प्रॉब्लम, दैट इज ओके। पर थॉट क्रिएट कौन? अभी तक पता हम क्यों नहीं कर पा रहे थे? हमने कहा उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने सिर्फ गलत किया। सी द डिफरेंस बिटवीन गलत एंड हर्ट। गलत कौन कर रहा है? वो। हर्ट कहां क्रिएट हो रही है? किधर? इधर। क्या मैं आपके माइंड में घुसकर आपकी थॉट क्रिएट कर सकती हूँ? इन्फ्लुएंस का मीनिंग, लेट्स बी वेरी क्लियर अब, किसकी किसकी कौन सी पावर है? मेरी पावर क्या है, आपकी पावर क्या है? क्या मैं आपके माइंड में घुस के कोई थॉट क्रिएट कर सकती हूँ? एक सेकेंड अभी कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ। वोकैबुलरी, एक मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए बोल सकती हूँ, उसको आप सोच सकते हैं कि थॉट किसने क्रिएट की? आपने की ना? मैंने तो नहीं की, पक्का। अब इस हॉल में 1000 लोग हैं, मैं सेम बोल रही हूँ, सब लोग सेम थॉट क्रिएट करेंगे? नहीं। सब लोग सेम चीज यहां से बाहर वापस लेके जाएंगे? नहीं। सब लोग सेम इसको इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं। सब लोग कल से मेडिटेशन सीखेंगे? नहीं नहीं। मैं आपको रिजल्ट बताती हूं अभी, नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। तो मेरी पावर क्या है और आपकी पावर क्या है? मेरी पावर यह है कि मैं यहां से बैठकर बोल सकती हूं, मैं अच्छा बोलूं तो भी आपके माइंड में घुसकर वो डाल नहीं सकती। नेगेटिव जल्दी आती नहीं है, नेगेटिव जल्दी क्रिएट करते हैं। डायरेक्शन चेंज करना है, नेगेटिव जल्दी आती है। आती कहां से? कहां से आती है? नहीं, सामने से नहीं आती है। This is that equation which is going to shift from dependence to independence. अभी हाथ कैसे किया? Negativity आती है, मतलब आपकी thought negative किसने create की? मैंने? नहीं। अब अपने spouse को बिठा दो इस कुर्सी पर एक second के लिए। बिठा दिया, वैसे तो वो आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठे होंगे, इधर बिठाओ एक मिनट। वो भी यहां से बैठकर आपको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो आपके मन में घुस सकते हैं? घुस सकते हैं। आपके बच्चे इस कुर्सी पे बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं। आप उनको एक दिन सडनली ऐसे बोलते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया फिर भी तुम ऐसे बात करते हो, वो मुड़ के कहते कौन सी बड़ी बात की, क्या किया मतलब आपने एक्स्ट्रा कुछ? सब लोग करते हैं, आपने भी वही किया, क्या बड़ी बात किया? वो इस कुर्सी पर बैठकर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो आपके मन में घुसकर वो दर्द क्रिएट कर सकते हैं? और फिर उसके बाद कितने दिन आपने वो दर्द पकड़ के देखना है, वो क्या वो डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। सो स्टॉप गिविंग पीपल द पावर व्हिच दे डोंट हैव। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अगर कुछ बोला तो आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन जैसे ही लगे आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुरा कौन फील करा रहा है। हम क्या कहते हैं, उसने मुझे हर्ट किया। रॉन्ग। उसने सिर्फ उधर बैठ के गलत बोला, वो गलत था, लेकिन मुझे हर्ट किसने क्रिएट किया? मुझे हर्ट किसने क्रिएट किया? मैंने। अब कितनी देर हर्ट रहना है वो कौन डिसाइड करेगा? वेरी गुड। कितनी देर में ठीक होना है वो कौन डिसाइड करेगा? क्या मुझे सॉरी बोलने की जरूरत है आपको? लोगों के सामने से खड़े रहना बोला सॉरी बोलो, बच्चे को सिखाना है सॉरी बोलना वो अलग बात है, लेकिन ऐसे खड़े हो जाना सॉरी बोलो क्यों सॉरी बोलो? क्योंकि आप सॉरी बोलोगे तो मेरा मूड ठीक होगा। इमोशनल डिपेंडेंस।
भाई मेरे सॉरी बोलने से आपका मूड क्यों ठीक होगा, क्योंकि आपके बोलने से ही तो खराब हुआ था। और अब क्योंकि आप मेरा मूड ठीक नहीं कर रहे, तो अब मैं जाकर फोन किसी और को करती हूँ जो अच्छा बोलकर मेरा मूड ठीक करेगा। इकड़े सारा साइकिल किधर जा रहा है? अब दूसरे को आप फोन करेंगे, वो आपको बोलेगा कोई बात नहीं छोड़ देना, बच्चे हैं, परेशान होगा, बोल दिया। तो आप बोलेंगे हाँ बात तो आप राइट कह रहे हो, और तीन चार लाइन आप उनसे सुनेंगे और आपका मूड ठीक हो जाएगा। और आप कहेंगे उसको फोन किया ना तो मेरा मूड ठीक हो गया। भाई जो वो चार पांच लाइनें उन्होंने बोली थी वो आपको भी आती है, क्योंकि जब उनका परेशान होता है तो आप उनको भी वही चार पांच लाइनें सुनाते हो। कोई नई लाइन थोड़ी सुनाई उन्होंने आपको। बट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग है, कोई मेरा मूड खराब करता है, कोई मेरा मूड ठीक करेगा, कोई मुझे परेशान करता है, कोई मुझे खुश। 100% इमोशनल डिपेंडेंस। अगर कोई मुझे ये बोल सकता है कि बच्चे हैं कर दिया, हमारा मूड ठीक हो गया, हम यही लाइन अपने आप को बोल सकते हैं? हम ये लाइन अपने आप को बोल सकते हैं? कोई आपको बोलता है चल छोड़ो ना खाना खा लो, तो हम उठ के खाना खाने चले जाते हैं। क्या हम खुद खुद को नहीं बोल सकते चल उठो ना छोड़ ना बात खाना खाते हैं? नहीं, अपने आप बोलते आज मैंने खाना नहीं खाना, मेरा मत बनाना आज खाना। So, हमें सिर्फ एक चीज नहीं आती है और वो है खुद खुद से अच्छी तरह से बात करना। हम सबके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, हम सबको हर सिचुएशन का वो दे सकते हैं राय। आप में से कौन कौन दूसरों को राय देता है? और ये चेक करना अगली बार कि आपको राय देने में टाइम कितना लगता है। इमेज है, क्योंकि राय कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है ना। वी ऑल नो व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट। तो आपको कोई पूछेगा पता है मेरे घर में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, मेरी वाइफ का ये झगड़ा चले, अरे कुछ नहीं है तुम ऐसे करो, 30 seconds में नहीं लगते, 3 seconds। लेकिन अगर सेम प्रॉब्लम अपने घर में हो तो वो राय खुद खुद को नहीं दी जा रही जो दूसरों को देते हैं। क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि हमने सोचा मैं खुद की थॉट्स नहीं क्रिएट करता, वो प्रॉब्लम मेरी थॉट्स क्रिएट कर रही है। वन बिलीफ सिस्टम टुक लाइफ कंप्लीटली। अब अगर किसी ने गलत किया तो गलत उनके लिए सोचना वो भी मेरी थॉट है, कुछ ना सोचना वो भी मेरे पास ऑप्शन है। और क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो मन से इतने कमजोर हैं इसलिए गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको दुआएं दे दो, ये भी मेरे पास चॉइस। आपको पता है जब भी कोई गलत बिहेव करता है या गलत बोलता है, इट्स अ साइन दैट, सपोज कोई आप पे चिल्ला दे, इट इज अ साइन दैट उनके अंदर उस समय शांति की कमी है। कोई आपके बारे में गलत फैला दे, इट इज अ साइन कि उस समय उनके अंदर कंटेंटमेंट की कमी है, खुशी की कमी है। तो अगर आपको लाइफ में कोई दिखे जिसके पास कुछ कमी है तो आप क्या करते हैं? अभी आप बाहर जाएंगे सड़क पे तो आपको कुछ लोग दिखेंगे जिनके पास कुछ चीज की कमी है, आप जानते भी नहीं उनको, ना कभी मिले थे ना कभी इसके बाद मिलेंगे, फिर भी उनको देखकर कौन सी इमोशन क्रिएट होती है? कौन सी इमोशन क्रिएट होती है? कंपैशन, सिंपथी, केयरिंग, हेल्पिंग, फिजिकल। फिजिकल कमी दिखाई दे रही है, किसी के पास धन की कमी है, किसी में शरीर का कोई रोग है, हमारे पास कंपैशन का संस्कार है, केयर का संस्कार है, काइंडनेस का संस्कार है, किसी के अंदर शांति की कमी है, किसी के अंदर कंटेंटमेंट की कमी है, किसी के अंदर प्यार की कमी है। क्या हम सेम संस्कार यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आपके आसपास कितने लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी किसी ना किसी चीज की कमी है? यहाँ देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, अहंकार है, ह्यूमिलिटी की कमी है, गुस्सा है, शांति की कमी है, जेलेसी है, कंटेंटमेंट की कमी है। कभी कभी हमारे अपने वर्क प्लेस पे लोगों को हमसे ईर्ष्या होती है। अगर किसी को आपसे ईर्ष्या है तो हमें उनके प्रति कौन सी इमोशन क्रिएट करनी चाहिए? जैसे ही हम इमोशनल इंडिपेंडेंस लाएंगे, जो एक बहुत नेचुरल चीज आपके अंदर आ जाएगी वो है इमोशनल डिजीज देखते हुए उसके प्रति कंपैशन। आपको दिखाई देगा कि ये जो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ये कितने अशांत है आत्मा, इसके पास कौन सी चीज की कमी है?
शांति कौन देगा? अगेन 30 सेकेंड्स आंख बंद करो, अपनी फैमिली मेंबर्स को सामने लेकर आओ और चेक करो इनके पास किस चीज की कमी है। ये नहीं चेक करो ये कौन सा संस्कार, इनकी आदत गलत है, किस संस्कार की कमी है। किसी के पास कंसंट्रेशन की कमी है, किसी के पास विल पावर की कमी है, किसी के पास हैप्पीनेस की कमी है, इसीलिए इरिटेबल गुस्सा होते रहते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ अपने घर के 2-3 लोग देखते हैं। दिख गया, दिखा किसको, दिखा कौन सी चीज की कमी है। कोई भी, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होगा। जब दिख गया कि उनके पास उस चीज की कमी है तो फैमिली मीन्स क्या? अगर आज उनके पास फिजिकली कोई बीमारी होती तो आप क्या करते? सिर्फ उसी संस्कार को इमोशनल पर लेकर आना है। आज अगर किसी के पास फिजिकल बीमारी है, हम अपना घर बेच देते हैं उनका इलाज कराने के लिए, हम अपना सोना बेच देते हैं उनका इलाज कराने के लिए। फैमिली है, वी हैव टू सेव देम, बोलते हैं कि नहीं, वी हैव टू सेव देम। सेम वे फैमिली है, वी हैव टू सेव देम। और इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होता, सिर्फ क्या करना है, वो गलत करेंगे, मुझे यहाँ से अच्छी थॉट्स देनी है। जैसे वो गलत कर रहे हो और मैं अच्छी थॉट्स दे रही हूँ, सबसे पहले कौन बचा? मैं, कि वो गलत एनर्जी मुझे नहीं हिट करती। और जैसे ही मैंने अच्छी थॉट्स क्रिएट की, वो किसकी तरफ जाएंगी? उधर। और उनका वैक्यूम, उनका जो खालीपन है, वो क्या होने लगेगा? अब जो आपने क्वालिटी सिलेक्ट की है कि उनके पास पीस की कमी है, उनके पास पावर की, जो भी सिलेक्ट कर लिया, अब आज से एक शिफ्ट, सारा दिन में जब भी उनको याद करोगे, साथ में एक थॉट क्रिएट करना, सो एंड सो इज अ पीसफुल सोल, उनका नाम लो इज अ पीसफुल सोल, उनका नाम लो इज अ पावरफुल सोल, इंस्टेड ऑफ सेइंग सो एंड सो इज गुस्से वाला। जैसे हम उनकी कमजोरी को रिपीट करते हैं अपने मन में या शब्दों में, तो उनकी कमजोरी क्या हो जाती है? अभी इनके अंदर गुस्सा है, वो ऑलरेडी गुस्सा है, अब मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, इनके अंदर बहुत गुस्सा है, तो मैंने कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट की? गुस्सा। फिर मैंने इनको भी जाके बोला, आपको पता है इनके अंदर बहुत गुस्सा है, फिर इन्होंने कौन सी थॉट क्रिएट की? गुस्सा। 10 लोगों को पता चल गया, 10 लोगों ने कौन सी थॉट क्रिएट? गुस्सा। पहले गुस्सा इतना ही था, सबकी वाइब्रेशन जाएगी तो वो गुस्सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑपोजिट जब जाएगा, अरे कहेगा पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पावरफुल सोल, शांत स्वरूप आता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलिए, दैट्स अ लॉ, आदि अनादि नियम सत्य, संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर हमने श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना सीख लिया, हमारी दुनिया बदल जाएगी। हमारी दुनिया बदलेगी मतलब, पहले यहाँ बदलेगा, यहाँ बदलेगा, घर में बदलेगा, परिवार बदलेगा, और फिर बहुत जल्दी तो सृष्टि बदलेगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो ये सृष्टि पर जितना भी केओस चल रहा है, वो हमारे संकल्पों की वजह से चल रहा है। और अगर हमने अपने संकल्प चेंज कर लिए, ये सारा केओस खत्म हो जाएगा। ये बीमारियां, ये इमोशनल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, सारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसीलिए आप कहते हैं, थोड़ी देर रोज मेडिटेशन करो, थोड़ी देर रोज ज्ञान भरो, क्योंकि वो दोनों चीजें क्या करती है? मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट को चेंज करती है। और जब मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट चेंज होती है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि संकल्प से मेरी सृष्टि बनती है। तो क्षमा करें किसी को, अभी करें, करें, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वन थॉट, एक संकल्प। हमें लगता है ऐसे कैसे एक संकल्प करने से वो क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि एक संकल्प करने से ही नफरत पकड़ के रखी है। देयर इज नो अदर वे टू होल्ड हेट्रेड। और तो कोई तरीका ही नहीं है, सोचना पड़ता है। आज क्या ट्यूजडे ना, पिछले ट्यूजडे नाश्ते में क्या खाया था? अरे थोड़ा सोचो तो सही, याद आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं होता। क्यों नहीं याद है? क्यों याद नहीं है कि पिछले ट्यूजडे क्या खाया था नाश्ते में? क्योंकि नाश्ता खाने के बाद ये बोला नहीं था, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आज मैंने पराठा खाया था। आई डिडंट से इट,
एंड बिकॉज आई डिड से इट आई डोंट रिमेम्बर इट. और ऐसे कई गलत बिहेवियर्स होंगे जिस समय हमने नहीं बोला था मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, पर वो बातें हमें नहीं याद रहती हैं. लेकिन जिस दिन दर्द ज्यादा हुआ था मुझे लगा दर्द उन्होंने दिया और मैंने कहा ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, अभी तक याद है. इसीलिए छोटे बच्चों को ज्यादा बुरा नहीं लगती चीजें, वो कितना लड़ते हैं, शोर मचाते हैं, डांटते चलते नहीं घुसते, इकट्ठे खेलते हैं वापस. लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते जा रहे हैं हमारा ईगो क्या होता जाता है, रहते मेरे साथ ऐसा कहा, मुझे ऐसा बोला. These are thoughts. So all that I have to do is create a thought. I release, I forgive, I forget. Over. बोलिए. I release, I forgive, I forget. Finished. सिर्फ ये कि एक thought से नहीं होगा. इसी एक thought को हमें कई बार इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि वो वाली thought कई बार बोली है, कितनों को बोली है और खुद को तो कितनी बार सुनाई है. एक पेपर है उस पे एक ब्लैक सर्कल ड्रॉ है, मुझे ब्लैक सर्कल मिटाना है. लेकिन इरेजर कोई नहीं है, लेकिन मिटाना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ उसके ऊपर व्हाइट डालना है. तो मैंने उस ब्लैक सर्कल को व्हाइट सर्कल से ओवरराइट करना शुरू कर दिया. एक सर्कल ड्रॉ करने से नहीं ओवरराइट हुआ, लेकिन अगर मैंने 5-6 बार उस ब्लैक सर्कल पे व्हाइट सर्कल ड्रॉ कर दिया ना, उसके बाद आपको ब्लैक सर्कल नहीं दिखाई देगा. सेम हियर, हमने एक ब्लैक रिकॉर्डिंग की थी, वो ऐसे है मेरे साथ, ऐसे किया. अभी सिर्फ हमें थोड़े दिन के लिए हर रोज नियम से आप रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही या जब आप भगवान को याद करने बैठे, जब एक सेकेंड के लिए सिर्फ उस थॉट को फिर से बोल दो, मतलब उस ब्लैक सर्कल पे क्या कर दो, व्हाइट ड्रॉ कर दो, फिर अगले दिन फिर ड्रॉ कर दो, फिर अगले दिन फिर ड्रॉ कर दो, फिर अगले दिन फिर ड्रॉ कर दो, 15-20 दिन के बाद फेड होना शुरू हो जाएगा. और अगर ये एक्सरसाइज छोटी सी नहीं करोगे तो वो ब्लैक सर्कल क्या होता रहेगा, और फिर एक दिन अचानक पता नहीं कब होगा मैं आत्मा शरीर छोड़ोगे, मैं रात को सोई सुबह नहीं उठी, मुझे बीच में टाइम नहीं मिला मेरे ब्लैक सर्कल चेंज करने का, तो मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो मेरे साथ क्या जाएगा, वो ब्लैक सर्कल मेरे साथ जाएंगे. तो अगर आज नहीं भी करने का मूड है, शरीर छोड़ने से पहले अपने सारे ब्लैक सर्कल मिटा देना. क्यों मिटा देना, क्यों मिटा देना, वो कैरी फॉरवर्ड होके क्या करेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होके आपके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आपका भाग्य बनाएगा. अभी तो भाग्य बना ही रहा है, अभी तो हम नफरत के साथ जी रहे हैं, उसका असर हमारे शरीर पर बढ़ रहा है. लेकिन जब हम शरीर छोड़ भी देंगे, मुझ आत्मा के साथ वो कर्म और संस्कार रिकॉर्डिंग की तरह साथ में जाएंगे और वो डिसाइड करेगा मेरा नया कॉस्ट्यूम, मेरे नए रिश्ते और मेरा नया वे ऑफ लाइफ. इसीलिए अगर किसी को पता हो कि उन्होंने जाना है, वो जाने से पहले सबको क्षमा करते हैं. क्यों क्षमा करना चाहिए जाने से पहले, जब साथ में जीते हुए नहीं क्षमा किया, अब जाते जाते क्यों क्षमा करना है, बताओ, जा रहे हैं अब तो फिर मिलना ही नहीं कभी. कहते जाने से पहले क्षमा करो, जाने से पहले क्षमा करो, जाने से पहले माफी मांगो. क्यों मांगे, अब तो नहीं मिलना ना फिर से, फिर क्यों जाने से पहले माफी मांगनी है, क्योंकि सबको पता है जाने से पहले कैसे जाना चाहिए, साफ. कब साफ करेंगे, जाने से पहले साफ करेंगे. जीवन ऐसा जिए कि दाग लगे ना, और अगर लग भी जाए तो उसको इमीडिएटली साफ करने की प्रैक्टिस करनी शुरू करें. पहले पुराने दागों को साफ करें, और जब पुराने दाग को साफ करने की आदत पड़ जाएगी तो नया दाग जैसे ही लगेगा ना, आप उसको इमीडिएटली साफ करेंगे. और एक बेदाग जीवन जिए, बेदाग मतलब यहाँ कोई दाग नहीं, बाकी लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उनकी चॉइस, लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं उससे बुरा लगता लगता अच्छा, मतलब सब लोगों का मेरे बारे में कैसा बोलना चाहिए, लेट्स डिसाइड, सब लोगों को मेरे बारे में कैसा बोलना चाहिए.
हाँ ये ठीक है, आपको अच्छा नहीं बोलना मेरे बारे में मत बोलो, लेकिन फिर बुरा भी नहीं बोलो, ठीक है? ये इक्वेशन ठीक है क्यों? अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोले तो क्या होता है? इट्स जस्ट अ थॉट। अपने आप को फ्रीडम दिलाइए, लेट द वर्ल्ड से एनीथिंग दैट दे वांट टू से अबाउट यू। जो वो बोल रहे हैं वो किसके बारे में बोल रहे हैं? इधर आओ सामने ऐसे देखो उनकी तरफ, कितना प्रिटी ब्लू ड्रेस पहना है ना, फोटो नहीं खींचनी उनकी जरूरत नहीं, कितना प्रिटी ब्लू ड्रेस पहना है? यस बोलो, यस। सबको प्रिटी लग रहा है, अरे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों, आपको क्या पता है? अरे आपको क्या पता है? आपको पता है क्या पता? अच्छा ये मेरे को ही पूछ रही है कि वो कैसे है। हाँ वेरी क्यूट। क्यों कैसे, मतलब सबको प्रिटी नहीं लगना चाहिए ये ड्रेस? नहीं लगना चाहिए, वेरी गुड। तो आप सबके पास फ्रीडम है, उन्होंने दी है कि आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो उन्होंने बोला, आई हैव नॉट सेड ना अभी कुछ भी। सो आपका मतलब है हर एक के पास अपनी चॉइस है? श्योर। तो किसी को ये बहुत अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ठीक ठाक लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, और किसी को तो, अगर सपोज इस हॉल में कोई है, कोई है क्या जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा? चलो मैं ही बन जाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, ओके कैन आई से इट? तो मैं बोल दूँ आपको सीधा आके कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपने जो पहना, एंड आप कंफर्टेबल होंगे ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेरी गुड। मैंने यहाँ सी द पावर, वेरी क्लियर। मैंने पहले से सोच रखा था कि एक ही ड्रेस सबको अच्छी लग सकती नहीं। किसने सोच के रखा? मैंने सोच के रखा। पावर किसकी है? मैं। यहाँ सबके पास ये पावर नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। सब लोग तो चाहते हैं उनकी ड्रेस को भी सब लोग अच्छा बोले, कहते बोला कैसे इसने तो मेरे को, आपने सोच के रखा था ना। जस्ट वन थॉट। क्या थी वो वन थॉट? आई अंडरस्टैंड हर एक को कैसे पसंद आ सकती है मेरी ड्रेस। उन्होंने वो थॉट क्रिएट कर ली, जैसे उन्होंने वो थॉट क्रिएट कर ली, अब वो रेडी है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? कि ईच वन ऑफ यू, आपके पास फ्रीडम है कि आप मेरी ड्रेस के बारे में कोई भी ओपिनियन रख सकते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप कोई भी ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि आपका ओपिनियन आपकी क्या है? आपकी चॉइस है। वेरी गुड। अब हम सब आपके बारे में बात करते हैं, क्या उसमें भी हम सबकी अपनी अपनी चॉइस नहीं होगी? नहीं क्यों, अभी तो आपने मुझे परमिशन दी थी बोलने के लिए कि ये ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, थिंक इज एनी डिफरेंस? लोग मेरी ड्रेस के बारे में बोले या मेरे बारे में बोले, एनी डिफरेंस? जैसे एक ड्रेस के बारे में हर एक की अपनी चॉइस होगी, इसी तरह मेरे बारे में भी हर एक की अपनी चॉइस होगी। ड्रेस के लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हर एक की अपनी चॉइस होगी, अपने बारे में मैंने एक्सपेक्ट कर लिया है कि हर एक मुझे अच्छा बोलेगा। एक थॉट चेंज करते हैं और आई एक्सेप्ट कि मेरे बारे में भी हर एक की अपनी अपनी राय होगी। सिंपल है, क्या मुश्किल है इसके अंदर? मुश्किल है ये अलग बात है, लोग हमें बिना बात के खुश करने के लिए बोलते रहते हैं आप बहुत अच्छे, और हम उनका झूठ लेकर भी अपने आप को खुश कर लेते हैं, लेकिन हम उनका सच सुन नहीं सकते। Will people not have their own opinion about us? होगा या नहीं होगा? अरे सोचो ना, होगा या नहीं होगा? होगा, होगा? क्यों, किस पे डिपेंडेंट होगा इनका ओपिनियन? ये है आपका ओपिनियन, आपका वो ड्रेस के बारे में चॉइस किस पर डिपेंडेंट थी? ड्रेस पर डिपेंडेंट नहीं थी। किस पर डिपेंडेंट थी? आपकी चॉइस। आपकी चॉइस किस पर डिपेंडेंट थी? आपके संस्कार। किसी को डार्क कलर पसंद है तो उनको वो ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, मुझे डार्क कलर पसंद नहीं शायद, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं, सो इट विल डिपेंड ऑन हू। इसका मतलब मेरा ओपिनियन अबाउट दैट ड्रेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ड्रेस, इट इज डिपेंडेंट ऑन माई संस्कार। सिमिलरली मेरा ओपिनियन अबाउट देम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सपोज ये बहन बहुत ऑनेस्ट है और मेरे साथ काम करती है,
पर इतनी ऑनेस्टी मेरे से हैंडल नहीं होती है, क्योंकि वो मेरा संस्कार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मैं सबको जाके ये बोलती हूँ कितनी अच्छी है, कितनी ऑनेस्ट है? मैं बोलती हूँ जब से डिपार्टमेंट में आई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। Am I allowed to say that? Yes. Why? Because मुझे आपकी ऑनेस्टी से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे पास वो वाला संस्कार नहीं है। So is it okay? ये अलग बात है कि जब मैं आपके बारे में बोलूं कि मुझे आप ये पसंद नहीं, अब आपको वो लाइन सुन करके खुद को कितना दुखी करना है, वो आपकी चॉइस है। और अगर एक थॉट यहाँ क्रिएट कर ली, हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक का अपना संस्कार है, हर एक का अपना ओपिनियन है, गो अहेड, हैव एन ओपिनियन ऑन मी, दैट्स योर चॉइस, तो फिर आपको किसी की भी बात बुरी नहीं लगेगी। एंड दैट इज इमोशनल इंडिपेंडेंस। किसी की भी बात जो मेरे बारे में कोई बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हम फीडबैक ले सकते हैं, फीडबैक लेना चाहिए, लेकिन इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसने मतलब अपने एजेंडा इतने दुखी होने के लिए, ऊपर से फिर ये टॉपिक पे भी दुखी होना कि इसने मेरे, एंड फिर लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते जाना है। चेंज अपने अंदर लाना चाहिए बेटो, लेकिन किसके लिए चेंज लाना चाहिए? चेंज किसके लिए लाना चाहिए अपने अंदर? अपने लिए। लेकिन लोग मुझे कहे मैं अच्छी हूं, उसके लिए लोगों के अनुसार चेंज होते जाना, even if it is in the wrong direction, but people should say I am good, it makes me like this. Please bolo ke hum acche hain. Isse zyada emotional dependency to ho hi nahi sakti hai. And mujhe farak nahi padta ki aap aake jhoot moot bol ke chale jao, lekin bol do. Main aapko jhoot ko, aapke jhoot ko lekar bhi apne aap ko khush karti rahungi, lekin mere paas aapke sach sunne ki taakat nahi hai. तो मेरा माइंड कितना डिपेंडेंट हुआ। एंड आपको पता है इसको चेंज करना कितना इजी है? सिर्फ वन थॉट। ठीक है, हर एक के संस्कार अलग अलग है, हर एक की चॉइस अलग अलग है, हर एक का नजरिया अलग अलग है, हर एक की प्रेफरेंस अलग अलग है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे जीवन में अगर 100 लोग हैं, वो सब 100 लोग मुझे पसंद करेंगे? कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे आपके बिना हम जी नहीं सकते, और कुछ लोग होंगे कहेंगे हम आपको एक सेकंड भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? आर दे राइट? यस। डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद मी? नो, इट हैज टू डू विद देयर संस्कार। उनका संस्कार मेरे कौन से संस्कार के साथ ट्यूनिंग में आ रहा है? कुछ लोग हैं जो 20 साल पहले कहते थे हम आपके बिना रह नहीं सकते, ये भी होता है, ये भी चेंज हो रहा है। So we cannot keep on making ourselves dependent. ये सारी dependencies है, एक लिस्ट बनाने आज dependencies की। दूसरे मेरी महिमा करें, दूसरे मुझे अच्छा बोलें, दूसरे मुझे अप्रूव करें, सबको लगे हम बहुत अच्छे हैं, इससे ज्यादा डिपेंडेंसी कुछ नहीं है। अच्छा बनना है, लेकिन सिर्फ लोग मुझे अच्छा कहें, ये ऐसा हाथ फैलाकर नहीं रखना है, क्योंकि इससे हमारी पावर क्या होती जाएगी? राइट को राइट बोलने की ताकत खो देते हैं, कहते नहीं लोग क्या कहेंगे, अपनी लाइफस्टाइल लोगों के अनुसार लीड करते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। ऐसे थोड़ी दुनिया ने कहा कि सबसे बड़ा रोग सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है। एंड चाहिए क्या? हाँ, तो Everyone's choice, हजार लोग कैसे मुझे पसंद कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इस हॉल में जितनी चीजें हैं, सारे हजार लोग सब चीजों को एक ही जैसा पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जैसा पसंद करने के लिए हम सबको आइडेंटिकल होना पड़ेगा। आइडेंटिकल थॉट प्रोसेस, आइडेंटिकल संस्कार, वो तो होने नहीं वाला है। तो कैन एवरीबडी हैव एन ओपिनियन अबाउट मी? चलो थोड़े दिन इसको सिखाना, ये सीख जाता है। और जब कोई कुछ कह दे तो अपने आप को सिर्फ याद दिलाना उनकी चॉइस है, और ये चेक कर लेना कि उन्होंने जो मेरे बारे में कहा उसमें कुछ वैल्यूएबल है जो मेरे लिए। वैसे नहीं सबके उसको रिजेक्ट कर दो, उसमें से कुछ लोग बात बहुत हमारी काम की कहते हैं, लेकिन थोड़ा क्रिटिसाइज करके कहते हैं। तो जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया वो मेरे काम का है, उनकी क्रिटिसिज्म उनका संस्कार है, उसके लिए उनको दुआ दे दो ताकि उनकी भी क्रिटिसिज्म खत्म हो जाए।
लेकिन कई बार वो क्रिटिसिज्म हमें इतनी हिट कर जाती है कि हम उसमें से अपना जो अच्छा वाला फीडबैक है वो भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम दर्द में चले जाते हैं। मेरे को ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला। इसीलिए कई बार बच्चे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके बहुत काम की चीज उनको बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका, तो जब वो बोलने का तरीका ऐसा होता है तो सामने वाली आत्मा इतनी हॉट हो जाती है कि वो काम की राय भी नहीं ले पाती, क्योंकि वो बोला ठीक से नहीं था। गिफ्ट आप क्या दे रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गिफ्ट आप कैसे दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव डायमंड भी लेकर आए और आपको कहे ये लो हैप्पी बर्थडे, आप जब भी खोल के भी नहीं देखेंगे उसके अंदर है क्या, क्योंकि दिया ठीक से नहीं है। और कोई आपके लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल लाए और बहुत प्यार से कहानी सुनाकर, एक आपके बारे में पोइट्री लिख के वो सिर्फ एक गुलाब का फूल दे, लेकिन दी एनर्जी, द वाइब्रेशन, द इंटेंशन आप उसको संभाल के रखेंगे। तो जो राय होती है वो गिफ्ट होती है, जो वाइब्रेशन और संस्कार होता है वो वे ऑफ गिविंग होता है। गिफ्ट किसी को नहीं चाहिए, राय भी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि सबको सब कुछ पता है क्या राइट है, लेकिन हर एक को क्या चाहिए, वाइब्रेशन, एनर्जी, इंटेंशन, पावर। सबको उसी चीज की कमी है और वही चीज हमने सबको देनी है। आप रेडी हैं देने के लिए सबको? इमोशनल इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज है, जब आप इसको क्रिएट करते हैं वो सिर्फ आपकी पावर नहीं बनती, वो दूसरों की पावर बन जाती है। जब हम कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां बहुत शांति और स्थिरता है, हमारा मन भी शांत होने लग जाता है उधर जाकर, होता है नहीं होता, चाहे थोड़ी देर के लिए होता है, होता है। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं जहां सब योगा कर रहे हैं, सब जिम कर रहे हैं, क्या उनको देखकर आपका शरीर भी थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है? नहीं होता, नहीं होता। तो फिजिकल फिटनेस आप सिर्फ अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। इमोशनल फिटनेस जैसे ही आपने क्रिएट करना शुरू की, आपकी पावर दूसरों की इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू कर देती है। ये एक ही चीज है जो अगर आप अपने लिए करते हैं तो उसमें अनेकों का कल्याण समाया हुआ है। और ये एक ही चीज है जिसपे अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके आसपास के लोगों का नुकसान उसमें समाया हुआ है। तो फिर करना चाहिए अपने लिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है? इनडिपेंडेंस, इनसाइड डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। अर्थात मैं किस पर निर्भर हूं? आत्मा, मैं आत्मा खुद पर निर्भर हूं, किसी पर नहीं। तो आज हम कौन सी चीजों से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? अपने रिएक्शन से, कि रिएक्शन का जिम्मेवार कौन? रिएक्शन का जिम्मेवार कौन? मैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज से गुस्सा नहीं आएगा, इसका मतलब ये है जैसे ही करने लगोगे पता होगा कौन कर रहा है, मैं। आधा टाइम तो उसी टाइम छोड़ दोगे, अगले टाइम के लिए और होमवर्क कर लोगे कि ये करने से मेरी बहुत एनर्जी वेस्टेज होती है। आपको पता है आजकल कई डॉक्टर्स एक डेटा रख रहे हैं कि जो लोग उनके पास कोई बड़ी बड़ी बीमारी लेकर आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ था क्या, एंड इन मोस्ट केसेस द आंसर इज अ यस। तो अपने घर के लोगों के साथ ईगो पे लड़ना, ये करना इज वेस्ट, बिकॉज वो किसी ना किसी की हेल्थ पर असर कर रहा है, और जब वो उसके सामने वाले के हेल्थ का इशू बन जाएगा उस दिन हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन आज हम अपने ईगो को थोड़ा सा झुकाने के लिए रेडी नहीं है, कल हम उनके लिए नौकरी छोड़ के उनका ध्यान रखने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि फिजिकल दिखता है, इमोशनल दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। हमें अपने घर के वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना है, उठाना है, नहीं उठाना, उठाना है। आपका घर ऐसा हो जो लोग आए होते हैं आपके घर आकर बड़ा सुकून मिलता है, वो कब होगा? जब घर में रहने वाले कैसे रह रहे हैं। कॉन्शियसली एक डिसीशन लो, कले कलेश नहीं चलना चाहिए घर में, हवा दूषित होती है। अगर कोई बात हो भी गई तो उसको जल्दी से रैप अप करो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया आर्ग्यूमेंट बनने नहीं दो,
आर्ग्यूमेंट बन गई, झगड़ा बनने नहीं दो। झगड़ा भी बन गया तो जल्दी से रैप अप करो, खींचना नहीं है उसको। एक बात हो गई, पूरी रात लड़ रहे हैं उसके ऊपर। याद रखिएगा, आप उनसे लड़ रहे हैं जिनकी सेहत के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी है। आप उनसे लड़ रहे हैं, आप किसी स्ट्रेंजर से नहीं लड़ रहे हैं। सामने वाला कहते हैं मुझे सोने दो, कहते नहीं पहले बात करते, उठो उठो अभी उठो। सामने वाला कहते हैं मुझे कल ऑफिस जाना है, तो क्या मेरी छुट्टी है, मुझे भी जाना है, बट लेट्स टॉक फर्स्ट। कुछ नहीं होता बार बार टॉक करने के अंदर, कोई भी बात बार बार रिपीट करने से सॉल्व नहीं होती है। हमें लगता है किसी तरह हम अपनी सोच उनकी सोच के अंदर घुसा दें, ये नहीं हो सकता है। आप उनकी अपनी नजरिया दे सकते हो, लेकिन आप अपनी थॉट प्रोसेस उनके अंदर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार कई चीजें बात करने पर सॉर्ट आउट होने की जगह और बिगड़ जाती है, क्योंकि अभी तक मैंने वो मन में रखा होता है। अब आप बार बार बोलते हो बात करते हैं बात करते हैं, तो चलो फिर बात करते हैं, सुनो अभी मेरी राय क्या है फिर। और जब सुन लेते हैं तो हमें लगता था बात इतनी है, सुनने के बाद पता चलता है बात दो। सो डोंट हैव टू टॉक एवरी टाइम अबाउट इट, सिर्फ अपनी सोच को बदलो, उनको अच्छे से अच्छे वाली वाइब्रेशन दो और बोलो चलो सो जाओ, टुमारो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अनदर डे। खत्म। कम से कम खींचना नहीं है, कंपैशन अपने मन के लिए, उनके मन के लिए, अपने शरीर के लिए, उनके शरीर के लिए, पूरे घर की एनर्जी के लिए खींचना नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ होने के बाद बात करना बंद करना नहीं है, उसका असर यहाँ बहुत ज्यादा आता है। जितनी देर हम यहां से बात करना बंद करते हैं ना, यहां बहुत शोर मचता है, राइट है? या तो यहां से बंद करो, देन इट्स फाइन। अपने मन को बिल्कुल साइलेंट कर दो, पीसफुल। वो नहीं होता जब हम यहां से बात करना बंद करते हैं, यहां का शोर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से भी शोर चल रहा है, सामने वाले की तरफ से भी शोर आ रहा है। ये भी ईगो है, ये भी अहंकार है। पहले कौन बात करेगा? मैं। कितनी बार मैं ही पहले बात करूं? हाँ देखो, हमारे सामने वाला क्या सोचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो कहते हैं सामने वाला सोचता है हम वीक हैं, चुप रहना, अंदर ये करते जाना, अहंकार को झुका के बोल नहीं पाना, ये वीकनेस और स्ट्रेंथ है, या सब बातों को एक सेकेंड में पीछे रखना एंड बोलना चलो हो गया, चलो खाना खाते बैठ के आराम से। कौन सी स्ट्रेंथ है इसमें से? सेकेंड वाली। लेकिन आपको लगता है दूसरे लोग सोचते हैं कमजोरी है, तो उनको सोचने दे, सोचने दो उनको कि हम कमजोर है। हमें पता है कि इसमें हमारी ताकत बढ़ती है और इसको करने में भी ताकत लगती है। एक कोने में जाके बैठ कर रोना, उसमें क्या ताकत लगती है? उसमें क्या ताकत लगती है? ऐसे बैठे रहना, वो आएंगे मुझे मनाएंगे, वो आएंगे सब कुछ ठीक करेंगे, इसमें कौन सी ताकत है? ये कमजोरी है। लेकिन हर चीज को फुल स्टॉप करना, हो गई ना बात, इतना शोर मच गया, हो गया, फिनिश हुआ, कम, लेट्स इट, खाना खाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आज खाना नहीं खाना, हर शब्द हर लाइन एक वाइब्रेशन है, मन शरीर, उनका मन उनका शरीर और पूरे घर की एनर्जी को चेंज कर रहा है। छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दे लिया ना, तो हमारी आधी इंडिपेंडेंस तो आज से हो जाएगी, बिना कुछ किए हुए, विदाउट डूइंग एनीथिंग। रेडी करने के लिए पहले तो ध्यान रखो, कभी बातों को उतना ऊपर तक जाने ही नहीं दो, नालीफाई जल्दी करना है। ये सिर्फ यहाँ प्रायोरिटी रखी ना तो बहुत जल्दी चेंज होने लगता है। सिर्फ प्रायोरिटी नहीं रखी है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है चीजें, और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस जब आता है तो उसको अनडू नहीं कर सकते। तो हमारी प्रायोरिटी है इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और इस इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये सारी चीजों को सहजता से करने के लिए हमें हर रोज आधा घंटा अपने लिए रखना चाहिए। कोई भी चीज बिना नहीं आएगी। आज पैसे कमाने के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं, शरीर को चलाने के लिए 3 बार खाना खाते हैं, 6 घंटा सोते हैं, कितना काम। मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्यों नहीं थोड़ा सा एफर्ट करते हैं? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारे पास टाइम है,
ये भी एक थॉट है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फुल स्टॉप, डेस्टिनी चेंज। और ये भी एक थॉट है, अपने लिए टाइम नहीं निकाला तो बाकी सारा टाइम कहाँ गया, और अपने लिए निकाला तो उसका बेनिफिट किसको होगा, उसी फैमिली को होगा जिनकी खुशी के लिए आप सारा दिन काम करते हैं। याद रखिएगा, जीवन में जब बात आती है तो शक्ति चाहिए, और बातें बड़ी नहीं, छोटी छोटी बात को फेस करने के लिए भी शक्ति चाहिए। इसलिए मेडिटेशन अब ऑप्शन नहीं है, मेडिटेशन अब ऑप्शन नहीं है। 25-30 साल पहले हमारे पास फिर भी बहुत शक्ति थी तो वो ऑप्शन होती थी, तो हम लोगों को पूछते थे अच्छा लगे तो आ जाओ, इंटरेस्ट है तो आ जाओ। अब इंटरेस्ट की बात नहीं, अच्छा लगने की बात नहीं, अब ये नेसेसिटी है, अब ये नेसेसिटी है, क्योंकि यहाँ की शक्ति क्या होती जा रही है, तो ये नेसेसिटी है। और जो घर में एक मेंबर करता है, बेनिफिट सबको है, तो हर घर में एक जना होना चाहिए शक्ति कमाने वाला। पहले जब घरों में धन कम होता था ना, तो उस फैमिली का जो अर्निंग मेंबर होता था ना, अगर वो चला जाता तो लोग कहते थे ये घर कैसे चलेगा, बोलते थे ना ऐसा, इधर घर का कमाने वाला चला गया, ये घर कैसे चलेगा। अभी धन की कमी नहीं होती है, लेकिन अब अगर हर घर में एक शक्ति कमाने वाला नहीं होगा तो आने वाले समय में ये घर कैसे चलेगा, ये बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा कौन। इसीलिए आज से एक चीज पक्की कर लीजिए, प्रायोरिटाइज इमोशनल हेल्थ। और अगर इमोशनल हेल्थ प्रायोरिटाइज की तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिश्ते और फिर ऑटोमेटिकली प्रोफेशन अपने आप टेकन केयर ऑफ है। तो आप ऐसे कौन कौन मेडिटेशन सीखने के लिए रेडी, रेडी है ना सीखने के लिए? आज ट्यूसडे है, फिर हमारा वर्किंग डे है कल से, तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन 1 घंटा हमने हर सेंटर पर मेडिटेशन का कोर्स रखा है, फ्राइडे सैटरडे संडे 1 आवर फ्री। हैप्पीनेस कम्स फॉर फ्री। सबसे बड़ा मिथ है कि खुश रहने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, खुशी ये एक चीज है जो फ्री में आती है, आराम तो खरीदना पड़ता है। 15 मिनट खाना खाना है शांति से, जैसा अन्न वैसा मन होता है, खाना जब बन रहा है या खाना जब खा रहे हैं, कोई गलत शब्द घर में नहीं होने चाहिए, खाने के थ्रू वो सबके मन पर चले जाएंगे। और ही जब खाना बन रहा है तो परमात्मा के शब्द रसोई में चले हैं, प्रसाद लंगर कभी कभी नहीं खाना चाहिए, हर रोज खाना चाहिए, और हर रोज खुद बनाना चाहिए और सबको खिलाना चाहिए। क्या फर्क है, वहां परमात्मा को याद करके खाना बना रहे, हम घर पे शोर मचाते हुए खाना बना रहे, फर्क तो सिर्फ वही है। तो वो प्रसाद बन गया, हम खुद घर पे प्रसाद बनाएंगे, क्योंकि हम रोज तो वहां से प्रसाद नहीं ला सकते ना, लेकिन हमें प्रसाद खाना रोज है, तो रोज अपने खाने को प्रसाद की तरह बनाओ, आपके बच्चे चेंज हो जाएंगे, माइंड बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि हम उनको रोज प्रसाद फीड कर रहे हैं, फूड विद द हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी। जैसा अन्न वैसा मन, ये एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत 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 बड़ी पावर है, इस पावर को यूज करो। खाना बनाते समय संकल्प डालो उनके, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये शांत है, सब खुश है, इनकी एकाग्रता हाईएस्ट है, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है, बिखरते हुए परिवार जुड़ गए सिर्फ खाना बनाते समय ये संकल्प डालने से, क्योंकि जैसा अन्न है वैसा मन है। लेकिन खाना बन रहा है और टूटते हुए परिवार का सीरियल चल रहा है, फिर जुड़े हुए भी हिल जाते हैं, क्योंकि जैसा अन्न है वैसा मन है। सिंपल साइंस। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।